फिरोजाबाद में एसएसपी अजय कुमार ने वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि शिकोहाबाद के बैंक कर्मी के अपहरण हुए पुत्र रजत के मामले में फिरौती हेतु अपहरण का षड्यंत्र रच धोखाधड़ी करके धन ऐंठने हेतु फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर खुद ही रजत ने अपहरण की साजिश रची थी। इसे फिरौती के लिए अपहरण पंजीकृत किया गया। तभी से पुलिस की कई टीमें रजत की बरामदगी के लिए लगी हुई, लेकिन क्योंकि इसने मोबाइल का इस्तेमाल ना के बराबर किया, इसलिए इसकी बरामदगी संभव नहीं हो पा रही। लेकिन जमीनी लोगों ने इसके करीबी दोस्तों पर शिकंजा कसना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ये इसको जब प्रतीत हो गया इस लड़के को इसका नाम रजत है कि अब हमारा ये प्लान फेल हो जाएगा, तो स्वयं अपने पिता के पास चल करके आ गए। इसके कथनानुसार सबसे पहले ये गांव क्योंकि मैनपुरी के लिए निश्चित स्टेशन पे आया था, अपने मामा के माध्यम से अपने पिता को फोन कराया। उसके पश्चात इसके पिता एक तहरीर लेकर के और इस रजत को लेकर के पुलिस थाने आए। उसके बाद इसने जो कहानी बताई बहुत चौंकाने वाली। लड़के के अनुसार इसका पिता बहुत ही कंजूस प्रकार का आदमी है, घर का भी व्यवस्था इसके ठीक नहीं है, जीर्ण शीर्ण हालत में है, घर पे टीवी जो है वो पुराने मॉडल की है, घर पे एक साइकिल तक नहीं है। इकलौता बेटा होने के बावजूद भी इस रजत का कहना है कि पिता उसको कोई सुविधा नहीं देता था, जिसे तंग आकर उसने पिता से ही धन ऐंठने का पूरा प्लान तैयार किया। और उस प्लान में इसने अपने तीन और दोस्तों जिसका नाम बीका, मोना और लक्ष्मी है, उनको शामिल किया। ये चारों दोस्त मिल करके एक प्लानिंग के तहत ये स्वयं के अपहरण का पूरा ड्रामा रचा, लेकिन क्योंकि इसका पिता फिरौती देने में बिल्कुल अनिच्छुक था और साथ ही साथ पुलिस इसके दोस्तों पे दबाव बना रही थी, और इन दोनों घटनाओं से परिणाम यह निकला कि ये स्वयं ही चला आया। We'll be right back.